हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर अनामिका सिंघवी एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया हमने पिछले लेक्चर में देखा था डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ट्रांसफॉर्मेशन या स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल इन टू अनादर थ्रू द मीडियम मीडियम के द्वारा किसी माध्यम के द्वारा एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरे बैक्टीरिया की सेल से में अगर जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफर होता है तो वो स्थानांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले एफ़ ग्रिफिथ ने किया था जो हमने पहले भी देखा था कि ये डीएनए की डिस्कवरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था तो 1928 में एफ़ ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया न्यूमोकोकस निमोनिया पर वर्क कर रहे थे जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है निमोनिया का उन्होंने देखा कि न्यूमोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन हैं एक तो वायरुलेंट स्ट्रेन है और दूसरा वायरुलेंट। उनकी मॉर्फोलॉजी और कॉलोनी स्ट्रक्चर में अंतर है वायरुलेंट स्ट्रेन कैप्सुलेटेड है मीन्स उसकी सेल के बाहर एक आउटर कैप्सूल है आउटर लेयर है और वो स्मूथ है जबकि ए वायरुलेंट स्ट्रेन नॉन पॉइजनस है नॉन कैप्सुलेटेड है और रफ है ये रफ़ कॉलोनी बनाता है आगे हम देखते हैं कि इन्होंने फिर क्या किया वायरुलेंट ए वायरुलेंट स्ट्रेन को जब माउस में इंजेक्ट किया तो माउस हेल्दी रहता है वायरुलेंट स्ट्रेन जो कि कैप्सुलेटेड है उसको माउस में इंजेक्ट करने पर माउस की डेथ हो जाती है माउस डेड हो जाता है फिर हीट किल वायरुलेंट स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन को हीट से किल कर दिया और उसके बाद उसको इंजेक्ट किया हेल्थ माउस में तो माउस फिर से हेल्दी रहता है अब अगला जो चौथा स्टेप था वो ये था कि ए वायरुलेंट स्ट्रेन के साथ इन्होंने हीट किल वायरुलेंट स्ट्रेन को जोड़ा हीट किल वायरुलेंट स्ट्रेन का रिजल्ट इंडिविजुअली जब हमने देखा था तो माउस हेल्दी रहता है और ए वायरुलेंट से भी माउस हेल्दी रहता है तो अगर माउस हेल्दी रहता तो किसी भी तरह की कोई अलग से डिस्कवरी की कोई संभावना नहीं होती मगर चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आया जो रिज़ल्ट सामने आया वो ये था कि जब इन दोनों स्ट्रेन को मिलाया गया ए वायरुलेंट और हीट किल वायरुलेंट और जब माउस में इंजेक्ट किया तो माउस डेड होता है जबकि हमने सोचा था कि माउस जिंदा रहेगा तो इससे एक नई डिस्कवरी पैदा हुई और उसको ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया गया कि कुछ मटेरियल है जो वायरुलेंट से ए वायरुलेंट इस्ट में ट्रांसफ़र होता है तब तक डीएनए की खोज नहीं हुई थी 1928 में ग्रिफिथ ने बस ये बताया कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वायरुलेंट से ए वायरुलेंट में ट्रांसफ़र होता है और ए वायरुलेंट इस्ट्रेन फिर से वायरुलेंट हो जाता है और पॉइजनस हो जाता है और उसकी वजह से माउस की डेथ होती है देन 1944 में एवेरी मैक्लिओड एंड मैकार्टे ये वो तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है डीएनए में इंफॉर्मेशन से जीन की जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है इन तीनों साइंटिस्ट ने एवेरी मैक्ड एंड मैकॉटी ने इसी एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट किया और इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया जो बैक्टीरिया के सेल्स में से डीएनए पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स को क्या क्या डीएनए पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स को डेड बैक्टीरियल सेल्स से एक्सट्रैक्ट किया प्योर फॉर्म में और फिर इन्होंने इनको इंडिविजुअली इंडिविजुअली ए वायरुलेंट में जब पॉलीसेकेराइड को डाला तो किसी भी तरह का कोई आ, चेंज नहीं आया वो ए वायरुलेंट ही रहा जब इन्होंने ए वायरुलेंट में प्रोटीन को डाला तो भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं था मगर जब ए वायरुलेंट स्ट्रेन में प्योर फॉर्म के डीएनए को ट्रांसफ़र किया तो वो वायरुलेंट हो गया यानी कि पॉइजनस हो गया इससे ये पता चलता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है वायरुलेंट हीट किल्ड बैक्टीरिया को जब हीट किल किया तो सेल्स डिसरप्ट हो जाती है सेल्स ख़त्म हो गई सेल्स का आउटर लेयर ख़त्म हो गई और उसमें से डीएनए एन फॉर्म में बाहर आए और ये डीएनए एन वहीं पर मौजूद ए वायरुलेंट स्ट्रेन के द्वारा ग्रहण किए गए और वो ए वायरुलेंट स्ट्रेंड वापस से वायरुलेंट स्ट्रेन बना इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को क्रॉस कन्फर्म करने के लिए डी एन एज का यूज़ किया जैसे ए वायरुलेंट प्लस डी एन ए प्लस डी एन एज एंजाइम डी एन डी एन ए को ख़त्म कर देता है तब वायरुलेंट नहीं हुआ स्ट्रेन जिसने ये क्रॉस कन्फर्म किया कि ओनली जी एन ए इज़ द जेनेटिक मटीरियल प्रोटीज़ और दूसरे एंजाइम्स के यूज़ करने पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ जो ये क्रॉस कन्फर्म करता है कि डी एन ए ही जेनेटिक मटीरियल है अब हम देखें इसका प्रोसेस क्या है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इस प्रोसेस में एक नेकेड डीएनए है जो जेनेटिक या हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरी बैक्टीरिया की सेल में यह डीएनए जो डोनर सेल है डोनर सेल का डीएनए है और ये डीएनए एन आ, किसी भी तरीके से आयर पर लाइसिस से नेचुरल सेल लाइसिस से या केमिकल मेथड से ट्रांसफर बाहर आएगा मतलब पीसेस में डीएनए बाहर निकलेंगे डीएनए की जो सेल है बैक्टीरिया की सेल या तो वो नेचुरल तौर पे टूटेगी या फिर हम केमिकल से उसको केमिकल ट्रीटमेंट कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट करके और उसके बाद में कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट और या फिर इलेक्ट्रोपोलिशन किसी भी तरीके से इस डीएनए को हमको एंट्री करानी है रिसेप्टर सेल में तो डीएनए के पीसेस बाहर आते हैं ये डीएनए के पीसेस कौन लेता है रिसेप्टर सेल्स या ग्राही कोशिकाएं इनको आ, रिसीव करती हैं और फिर ये इसके साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म एंटर करने के बाद जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं उन दो स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है जो डीएनए एन के ट्रीटमेंट के द्वारा क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही अंदर एंटर करता है बैक्टीरिया के जीनोम के साथ में और फिर वो डोनर डीएनए के साथ में डोनर डीएनए एन उसमें जो रिसीव करने वाला है रिसेप्टर डीएनए के साथ में ऐड हो जाता है और फिर जब इनका नेचुरल सेल डिवीज़न होता है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ट्रांसफॉर्म सेल अलग प्राप्त होती है और नॉर्मल सेल्स अलग प्राप्त होती है और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है स्थानांतरण होता है डोनर सेल से डीएनए का कहाँ पर ग्राही कोशिकाओं में दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में नाउ ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में तो देखा मगर हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग हैं बहुत सारे यूजेज़ हैं इसको हम जगह जगह जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत काम में लेते हैं क्योंकि एक तो बैक्टीरिया की सेल है जो कि बहुत फास्ट ग्रो करती है हमें पता है बहुत कम समय में मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाती है इसलिए इस प्रोसेस की एप्लीकेशन है एक तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए एन बनाए जा सकते हैं दूसरा इससे लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमन प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन को बनाया जा सकता है क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन इंसुलिन जहाँ से बनता है उस जीन को हम रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियस से कट करेंगे फिर एंट्री कराएंगे उसको प्लास्मिट्स के अंदर और फिर ई कोलाई के अंदर जो कि होस्ट सेल है उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ ये फास्ट मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे जिसको बाद में हम काम में ले सकते हैं और ये जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है बैक्टीरिया और दूसरी सेल्स को प्लस प्लांट सेल्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत उपयोगी है जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए थैंक यू